Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete editorial and newspaper analysis. And today is 28th of December 2019, तो आज 28 दिसंबर का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे. पहले मुझे लग रहा है कि एडिटोरियल्स अपन एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन न्यूज़ एनालिसिस में आएंगे. क्या होता है कि हम न्यूज़ करते हैं, फिर बीच में एडिटोरियल्स आते हैं, फिर न्यूज़ आती है, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा आदमी का ऑर्डर सही नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस ऑल द एडिटोरियल्स फर्स्ट एंड उसके बाद हम सारी न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, है ना. सो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे इज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद. इनमें से क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म किसके साथ एसोसिएटेड है. ऑप्शंस आर ए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बी साइट्स, सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस या डी ब्राजीलिया डिक्लेरेशन. क्वेश्चन नंबर टू इज गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर. इनमें से किन के लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है. फर्स्ट इज कोपरा, सेकंड इज ग्राउंड नट, थर्ड इज जूट, फोर्थ इज वीट. अब आपको बता रहे हैं इनमें से किसके किसके लिए करती है, वन टू एंड थ्री, टू थ्री एंड फोर, वन थ्री एंड फोर या ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर थ्री इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑफ द जब ये डिस्कशन एंड होगा तो लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी इसके बता दूंगा. ओके, सो दैट विल बी फ्रॉम माई साइड. आज मैंने सोचा कि आपको एक मेन्स क्वेश्चन भी डेली देंगे. तो टुडेज मेन्स क्वेश्चन इज एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेंट. सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू राइट. इसका आंसर आप कोशिश करिएगा लिखने का. इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि पहली बार क्वेश्चन मैंने बनाया है, बट इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन. एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. यू हैव टू कमेंट ऑन दिस. सो दीज आर द टू एक्सरसाइजेस विच आई एक्सपेक्ट यू विल बी डूइंग. अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम और ज्यादा इनको क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स पार्ट फ्रेंड्स. फर्स्ट एडिटोरियल इन CAA नैरेटिव जो लीड एडिटोरियल है, फाइंडिंग द जुडिशरीज लॉस्ट वॉइस. तो अजीत प्रकाश शाह ने आर्टिकल लिखा है. अब ये CAA और जुडिशरी का जो एंगल है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है. सबसे पहली बात जो ऑथर ने बोली कि CAA अमेंडमेंट और NRC जो है वो दे आर हाईली प्रॉब्लमेटिक. ऑथर का कहना है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था और जो NRC है ये दोनों प्रॉब्लमेटिक है. सबसे पहली बात ऑथर ने तो बोला कि जो आसाम की NRC हुई थी आफ्टर व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन 2013 वो भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक था. वो भी एक डिजास्ट्रस एंड टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेज वाली एक्सरसाइज थी, उसको ही नहीं होना था. लेकिन चलो वो हो गई. तो अब आगे जो कंट्री वाइज NRC की आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. सबसे पहली बात कि क्या ऑथर ने बोला है, क्यों ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो फर्स्ट रीज़न जो ऑथर ने दिया है वो आर्टिकल 14 है. ओके, राइट टू इक्वालिटी. सबसे पहली बात कि जो NRC की एक्सरसाइज है और जो CAA की एक्सरसाइज हुई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो अगर आप देखो तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है. क्यों? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप मार्जिनलाइज कर रहे हो जो कि मुस्लिम रिलीजन था. सो दिस एक्ट वॉज डिलिबरेटली मार्जिनलाइजिंग द मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड यूजेज द रिलीजियस आइडेंटिटी एज द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप. तो इसने रिलीजियस आइडेंटिटी को यूज़ किया है फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप. सो दैट इन इट सेल्फ इज इनकरेक्ट. कल का अगर आपको एडिटोरियल याद हो तो हमने एक बात की थी, बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे, कि आपको ये रिलीजियस परसिक्यूशन शब्द हटा करके उसको ओवरऑल परसिक्यूशन कर देना चाहिए था. मतलब कि कोई किसी भी तरीके से अगर परसिक्यूटेड है तो आप उसको सिटीजनशिप दोगे. अगर आप एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको तो फिर सबके लिए काम करना चाहिए. सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ करके बाकी रिलीजन्स को आप इंक्लूड कर लो, ये गलत है. अगर आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को लाना चाहते हो तो फिर वो किसी भी तरीके की परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हो, नॉट जस्ट द रिलीजियस परसिक्यूशन. तो ये चीज कल सजेशन मुझे अच्छा लगा था, ये आप आंसर राइटिंग में जरूर यूज करिएगा. अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज डू यूज दैट इन द आंसर राइटिंग इटसेल्फ. ऑथर ने जो अगला आर्ग्यूमेंट दिया है तो दैट इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है क्योंकि वही कि यू आर जस्ट सिग्नलिंग आउट द रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज एंड उनको बेसिस बना करके आप उसको सिटीजनशिप दे रहे हैं. देर इज नो लॉजिक इन दिस फास्ट ट्रैक ऑफ नेचुरलाइजेशन. ये कोई लॉजिक नहीं कि आप बोल रहे हो कि आपको जो सिटीजनशिप देनी है उसको फास्ट ट्रैक आप कर रहे हो, बट उसका बेसिस आपने रिलीजियस परसिक्यूशन बना दिया है. सो दैट देर इज नो लॉजिक इन दिस. एंड
वाई आर यू जस्ट सेलेक्टिंग द थ्री कंट्रीज़। इसके बाद अगर आकर आप देखो तो म्यांमार की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है, श्रीलंका में भी तमिल्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो वाई आर यू लीविंग ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑथर ने बोला है कि ये रीज़न है कि वाई दिस CAA and NRCSIs in itself is an unconstitutional thing, and judiciary को आगे आना चाहिए, judiciary को आगे आना चाहिए to, because these things they violate the principles of equality and diversity, they violate the principles of equality and diversity। author ने बहुत अच्छा argument दिया है कि ये जो चीज़ें हैं ये equality और diversity के principles को violate करती हैं। अब इसीलिए जुडिशरी को आगे आना चाहिए। बट अगर आप जुडिशरी को देखेंगे तो जुडिशरी आइदर या तो एब्सेंट रही है ओवरऑल, या फिर वो एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट कर रही है। ओके, ये एग्जीक्यूटिव के थोड़ा दब गई है, पॉपुलिस्ट मेजर्स के अंदर दब गई है कहीं ना कहीं जुडिशरी, ऐसा ऑथर का कहना है। सबसे पहली बात, ऑथर ने ये बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टर्स को अगर अपने प्रोटेस्टर्स अगर स्ट्रीट पे जाएंगे तो फिर वो जुडिशरी तक ना आए, उनको फिर जुडिशरी की जरूरत नहीं है। तो ऑथर ने यहाँ बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा कि क्या डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, क्या प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में नहीं होते हैं। तो ऑथर ने कहा कि एक्चुअली में जो प्रोटेस्ट है जो इस तरीके की, जब तक वो नॉन वायलेंट है, अगर प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट है तो दैट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, है ना। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो प्रोटेस्ट हैं वो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, और पीसफुल प्रोटेस्ट तो लाइफ लाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी है, तो आप उसको क्यों मना कर रहे हो, है ना, कि लोगों को क्यों बोल रहे हो। एंड देन हाउ विल यू डिसाइड बिटवीन अ गुड प्रोटेस्टर एंड अ बैड प्रोटेस्टर, क्योंकि आप तो पूरी कंट्री ही प्रोटेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर पहले तो आप बोलते थे केवल JNU के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केवल यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अगर इस केस में देखें तो पूरी कंट्री में हर व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है लगभग, है ना। सो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड प्रोटेस्टर एंड अ बैड प्रोटेस्टर। तो ऑथर ने कहा कि जुडिशरी को ये समझना चाहिए कि जजमेंट जो होता है, ये जस्टिस जो होता है, वो इस बेसिस पे नहीं होता है कि प्रोटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, है ना, वो इस बेसिस पे होता है कि व्हाट इज द सोल ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट की सोल क्या है, उस आर्ग्यूमेंट का प्रिमाइस क्या है। तो अगर यहाँ पे हम CAA को देखें या आगे आने वाली NRCSIs को देखें तो दैट विल बी अ वायलेटिव ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी, है ना। एंड अगर कोई चीज उसको वायलेट करती है तो जुडिशरी को उसको बिल्कुल उसको नल एंड वॉइड घोषित करके आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज व्हाट ऑथर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द जुडिशरी, एंड ये चीजें यहां पे बताई गई हैं। हाउ नॉट टू काउंटर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, अरुण कुमार ने आर्टिकल लिखा है। ओके, वैसे गैंडोल्फ जैसे लग रहे हैं। सो ही हैज रिटन दिस आर्टिकल, एंड कैसे इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो रही है इस समय कंट्री में उसको काउंटर नहीं करना है, दिस इज़ व्हाट ही हैज सजेस्टेड फ्यू थिंग्स इन दैट। सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्या है इस समय, ये अपने आप में एक मेंस क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ विल यू सॉल्व देम, है ना। तो ये अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, तो इसको भी आप लिखना चाहें अगर तो लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखें तो पहली है रेजिंग फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो गवर्नमेंट बोरोइंग है वो बढ़ती जाती है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू आया और गवर्नमेंट के पास जितना एक्सपेंडिचर था वो दोनों मिसमैच हुआ, और रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो वो फिस्कल डेफिसिट में आएगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है इंडियन इकोनॉमी की। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में क्या आता है, जैसे आपका लेबर प्रॉब्लम्स। ओके, लेबर प्रॉब्लम्स इन इटसेल्फ इज़ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, है ना। फिर उसके बाद RBI की भी रिपोर्ट आई जिसमें ये बोला कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो दोनों डाउन है। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी डाउन है इसलिए डिमांड कम है, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, तो वो भी डाउन है अपने आप में। इसी कारण से टैक्स रेवेन्यूज जो हैं वो घट गए हैं। देखो, टैक्स रेवेन्यूज़ क्यों घटेंगे, क्योंकि जब डिमांड घटेगी, ये सब चीज़ें होंगी, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो डिक्रीज़ होगा, है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि जो शॉर्टफॉल है, जो गवर्नमेंट के पास, सेंटर के पास शॉर्टफॉल है, वो लगभग 2,00,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है। ओके, एंड इसके बाद स्टेट्स भी जो हैं वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको GST का वो नहीं मिला है जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था। कंपनसेशन कब मिलता है, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता था। कंपनसेशन कब मिलता है, कंपनसेशन तब मिलता है जब स्टेट्स का GST कैलकुलेशन, जो GST ग्रोथ रही है, स्टेट GST ग्रोथ रही है, अगर वो लेस देन 14%, अगर 14% से कम है तो कंपनसेशन इस केस में दिया जाएगा। ये कंपनसेशन 5 सालों तक के लिए दिया जाएगा, है ना। आफ्टर द रोल आउट ऑफ GST, सेंटर इज रिक्वायर्ड टू गिव द स्टेट्स द शेयर ऑफ इंटीग्रेटेड GST। ये इंटीग्रेटेड GST से फिर शेयर आता है, अगर जो स्टेट्स का GST ग्रोथ है, स्टेट GST ग्रोथ है, वो 14% से कम रही हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये GST Act में भी है, तो ये आपको याद रखना है ना।
तो आगे मूव करते हैं, अब और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग सजेशंस क्या देते हैं, देखो यहाँ पे कैसे टैकल नहीं करना है। सम पीपल गिव द सजेशन दैट अगर जीएसटी का कैलकुलेशन जो कलेक्शन है वो कम है तो आप क्या करो, 5% का जो टैक्स स्लैब उसको बढ़ा करके 6% या 10% कर दो। तो ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये बोली है, ये बेसिक इकोनॉमिक फंडा है कि अगर आप इस तरह से टैक्स रेट बढ़ा दोगे, 5% से बढ़ा करके 10% कर दोगे, तो कोई चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, द प्रोडक्ट्स प्राइस विल इंक्रीज एंड इससे क्या होगा कि डिमांड विल फर्दर डिक्रीज। अगर प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के तो डिमांड और ज़्यादा घट जाती है, और अगर डिमांड और ज़्यादा घट गई, अगर डिमांड और ज़्यादा घट गई तो इससे क्या होगा, कंजम्पशन और कम हो जाएगा, और कंजम्पशन अगर और कम हो गया तो आपका जो 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 अभी तक आपकी इकोनॉमी फिर भी कंडीशन में वो भी नहीं रह जाएगी, और ज़्यादा डिमांड घट जाएगी, और ज़्यादा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस घटेगा, और ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घटेगा। तो जो ये सजेशन देते हैं कि टैक्स रेट को बढ़ा दो, स्लैब्स को बढ़ा दो, 5% से 10% कर दो, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच द ऑथर इज सजेस्टिंग, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने बोली है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आप इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दो। अब आपने कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रिड्यूस द इनकम टैक्स टू बूस्ट द डिमांड इन द इकोनॉमी, तो इनकम टैक्स को आप रिड्यूस कर दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिक्रीज होता है तो ये केवल less than 2% ऑफ द इंडियन सिटीजन्स को हेल्प करेगा जो कि इनकम टैक्स भरते हैं एक्चुअली में। तो इट विल बी हेल्पिंग ओनली, मतलब इट विल बी हेल्पिंग बेनिफिटिंग लार्जली 2% ऑफ द सिटीजन्स जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पे करते हैं। बाकी तो इनसिग्निफिकेंट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2% ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको इफेक्ट करेगा एंड दे आर वेल टू डू एंड अनलाइकली टू इंक्रीज द कंजम्पशन। ओके, लेकिन वो तो अपने आप में वेल टू डू है तो वो अभी भी कंज्यूम कर ही रहे हैं इतना जितना करना चाहिए था। तो अपने को कुछ ऐसा मेजर उठाना चाहिए जो कि पुअर पॉपुलेशन को, मिडिल जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट करे, ना कि इन लोगों को इम्पैक्ट करे जो कि ऑलरेडी वेल टू डू हैं। ओके, तो दैट इज द थिंग। सिमिलरली ऑथर ने यह भी कहा कि जो कॉरपोरेट टैक्स कट है अगर वो करोगे तो वो भी डिमांड नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इससे ना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना ही कंजम्पशन बढ़ेगा। ओके, तो कॉरपोरेट टैक्स रेट को भी घटाने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली ऑथर ने बोला कि ये तीनों चीजें आप नहीं कर सकते हो। वॉट यू कैन डू इज दैट यू हैव टू इंप्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, और आपको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है। कोशिश आपको ये करनी है कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, आइदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आए जो गवर्नमेंट के थ्रू आए या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, तो आप अट्रैक्ट करो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को, और उनको लाने की कोशिश करो, तभी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। डिसाइसिव शिफ्ट, नाउ दिस आर्टिकल एडिटोरियल जो है ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को क्रिएट किया जाए जो कि हेड करेगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो ये आपको मैंने ये चीज़ें पहले ही बताई हैं, फिर से बताता हूँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट रहेगी, ये 4-स्टार जनरल के बराबर पोस्ट रहेगी। ओके, 4-स्टार जनरल की इक्विवेलेंट पोस्ट रहेगी ये, एंड ही विल बी हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ही बनाया जाएगा। अब बेसिकली ये है क्या, ये है ये कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है ये इन तीनों को हेड करेगा ये। ओके, इन तीनों का हेड रहेगा एक तरीके से, और इनके बीच में कोऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशंस और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देगा। इनके अपने आप सेपरेट हेड भी रहेंगे, आर्मी का हेड अलग रहेगा, नेवी का अलग रहेगा और एयरफोर्स का अलग रहेगा। इन तीनों फोर्सेस का जो जॉइंट हेड रहेगा आप कह सकते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेगा। वो बेसिकली कोशिश करेगा इनके बीच में कोऑपरेटिव जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए। अब ये जो पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये 1999 के कारगिल युद्ध के बाद ही रिकमेंड कर दी गई थी, है ना। लेकिन इतना डिले क्यों लग गया, इतना डिले इसलिए लग गया क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो फोर्सेज हैं, सेपरेट फोर्सेज हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस फियर में थी कि इस जब ये पोस्ट आ जाएगी तो इनका जो औचित्य है वो खत्म हो जाएगा, जो इनके चीफ है उनका औचित्य खत्म हो जाएगा। सो उस फियर को दूर करने में, कर्टेल करने में थोड़ा टाइम लग गया, एंड अभी बेसिकली चल रहा था पूरा कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, इसमें भी थोड़ा डिले हो गया कि किस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जॉइंट ऑपरेशन या इंडिपेंडेंटली किस तरीके से काम करेगा। तो ऑथर का भी यही है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम है दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, एंड एक तरीके से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, टोटल मिलिट्री माइंडसेट में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। एंड ये जॉइंटनेस अभी तक तो केवल बड़ी बड़ी मीटिंग्स में और पार्टीज़ में ही देखने को मिली है तीनों फोर्सेस के बीच में, तो उस जॉइंटनेस को वर्किंग में लाना अपने आप में एक चैलेंज होगा, वर्क कल्चर में लाना अपने आप में एक चैलेंज रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने हमको आगे देखनी है कि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस तरीके से इस पोस्ट का जो मेन जो रीज़न है उसको फुलफिल करता है। ओके, एंड कंक्लूजन में यही है कि द जॉब इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक। ऑथर ने कहा है द जॉब इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक एंड इट रिक्वायर्स पर्सनल सुपरविजन एंड कैन नॉट बी लेफ्ट अनफिनिश्ड फॉर द सक्सेसर टू फिनिश, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और एक बहुत ज़्यादा पर्सनल सुपरविजन की ज़रूरत है, एंड
देखते हैं कि इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कितने बखूबी इसको निभा पाते हैं, कितने बखूबी इसको नहीं निभा पाते हैं। फ्यूल टू द फायर, द बर्डन ऑफ प्रूफ मस्ट नॉट बी ऑन द पीपल टू प्रूव द सिटीजनशिप। ये आर्टिकल जो है ये भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ही लिखा गया है, एनपीआर और एनआरसी के ऊपर। ऑथर ने सबसे पहले तो ये बोला कि एनपीआर की जो साइज होगी, अपडेट होगा, वो लगभग 4000 करोड़ उसमें लगेंगे, 3941, लगभग 4000 करोड़ की एक्सरसाइज है अपने आप में। तो पहले तो इसका इकोनॉमिक बर्डन है। दूसरी चीज, कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार एनपीआर तो जो है वो रेसिडेंस पता करने के लिए है ना। मैंने बताया ना कि एनपीआर जो है वो रेसिडेंस पता करता है। रेसिडेंट मतलब कि जो व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा रह चुका है या आगे आने वाले समय में 6 महीने से ज्यादा रहने वाला है। तो फिर लोग इतना क्यों कह रहे हैं कि एनपीआर का प्रोटेस्ट करो। तो अगर आप देखो, एनपीआर में अगर सिर्फ रेसिडेंट पता करना होता तो फिर उसमें ये डेटा पूछना कि आपके माँ बाप क्या करते हैं, आपके माँ बाप कहाँ से आए हैं और आपके पास कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती है ना। अगर ये चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं तो इसका मतलब है कि दैट इज़ अ मतलब स्टेज सेट हो रहा है फॉर अ बिगर एक्सरसाइज एंड दैट इज एनआरसी, है ना। तो स्टेज जो है बेसिकली एनपीआर को अगर हम देखें तो एनपीआर इज बेसिकली द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ अ बिगर एक्सरसाइज जिसको कि हम एनआरसी बोलते हैं। तो ऑथर ने यही बोला है कि एनपीआर जो है बेसिकली है वो एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है एंड वो आगे जाके आपके एनआरसी में कन्वर्ट होने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है दैट इज द रीजन वाई पीपल आर अपोजिंग दिस। और कल किसी व्यक्ति ने मुझसे ये पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो मैं बताता हूँ, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट हो सकता है ना हो। क्या होता है, कभी कभी फ्लड आता है, आपको पता है फ्लड आता है, और जैसे केरला में फ्लड आया, इतने लोग बेघर हो गए, नेपाल में अर्थक्वेक्स आ गए, या सॉरी आपके जो उत्तराखंड वाले रीजन थे उसमें अर्थक्वेक्स आ गए। तो जब ये डिजास्टर के का होते हैं इस तरीके से, तो बहुत लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। सब कुछ के मतलब उसमें सब कुछ आता है, उसमें आपके आइडेंटिटी कार्ड्स भी आते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि कोई केस ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ ना हो, है ना। तो ऐसा भी केस है। फिर जब ये चीज़ें होती हैं तो जो जेन्युइन लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, दोबारा बनवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बनवा पाएं क्योंकि खुद अपने आप वो जीवन से हारे हुए हैं, तो फॉर दैट रीज़न दे विल बी फेसिंग द ट्रबल्स ना। आप ये तो सोचिए, इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते आप, डिजास्टर्स के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो अपने दिमाग को थोड़ा और ओपन करिए। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास हर समय ये अवेलेबल रहते हैं सारे सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, है ना। तो ये केसेस हो सकते हैं। सो ये चीज़ आपको समझ। सो दीज वर द एडिटोरियल्स। अब हम मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सो हियर वी कम टू द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, वैसे कोई न्यूज़ नहीं थी बट एनपीआर और एनआरसी फिर से था, तो एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि ऐसा डेटाबेस जिसमें कि जितने लोग रेसिडेंट्स हैं इस कंट्री के उनका सबका नाम रहेगा। रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है एनपीआर के अंदर वो है कि 6 महीने से ज़्यादा आपने रहा हो या आगे आने वाले समय में आप 6 महीने से ज़्यादा रहने वाले हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट अंडर दिस एनपीआर एक्सरसाइज। अगली चीज़ जो आपको याद एनपीआर में ये है कि एनपीआर ये पहली बार नहीं हो रहा है कंट्री में। 2010 में पहली बार एनपीआर किया गया था, 2015 में इसका डेटा रिवाइज भी किया जा चुका है। और जो एनपीआर एक्सरसाइज का नाम है कि एनपीआर कहां पे मेंशन है, तो 2003 के सिटीजनशिप रूल्स में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स में इसका नाम आया था एनपीआर का, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। एनआरसी की बात करें तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, सबसे पहली बार 1951 में हुआ था। 1951 में जब ये हुआ था तो इसको होम मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कराया था, ओके। तो 1951 में हो चुका है एनआरसी, 1951 में इसको होम मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कराया था। अभी 2013 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर असम में एनआरसी की गई। असम में जब एनआरसी हुई थी उसकी जो कट ऑफ डेट थी वो 24 मार्च 1971 रखी गई थी, ओके। 24 मार्च 1971 कि आपको प्रूफ करना था कि आप 24 मार्च 1971 के पहले असम के या तो असम में रह रहे थे या असम के इलेक्टोरल रोल में किसी में आपका नाम था, या फिर आप किसी ऐसे सिटीजन से रिलेटेड हो असम के जो कि 1971 के पहले वहां पे था। तो ऐसे जो लोग हैं उनको लिगेसी वोटर्स कहा जाता है, लिगेसी सिटीजन कहा जाता है कि आप 1971 के पहले भी थे लिगेसी सिटीजन। और जो लोग अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाए वो कहलाने लगे डी वोटर, यानी कि डाउटफुल या डूबियस वोटर्स, ओके। तो ये आपको एनआरसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कुछ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। और एनआरसी और एनपीआर जो है वो दोबारा होने की बात चल रही है। एनपीआर तो इनफैक्ट एनपीआर का डेटा अपडेट होगा 2021 में, सेंसस भी होने वाला है, ओके। सेंसस आने वाला है 2021 में, सेंसस जो होता है उसके साथ ही ये एनपीआर का जो हाउस टू हाउस सेंसस होता है, क्योंकि सेंसस दो लेवल में होता है। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि सेंसस एक्सरसाइज जो होती है वो दो लेवल में होती है, पहला होता है हाउस टू हाउस, दूसरा होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, मतलब पॉपुलेशन वाला दूसरे चरण में होता है, पहला हाउस टू हाउस होता है। तो हाउस टू हाउस सर्वे के साथ ही आपका एनपीआर का डेटा भी अपडेट किया जाएगा। तो ये भी फैक्ट आपको मैंने बता दिया। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड
आपका सेंसस, एनपीआर एंड सेंसस दोनों डिफरेंट भी हैं। ये भी याद रखिएगा कि यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट देता है कि एनपीआर एंड सेंसस आर बोथ द सेम थिंग, या फिर बोल देता है कि इस साल सेंसस की जगह एनपीआर हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। एनपीआर आपका आसाम में नहीं हो रहा है, पहले चीज़ तो ये सेंसस आपका आसाम में भी होगा, ओके, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट एनपीआर इज जस्ट योर रेसिडेंसी, कि आप रेसिडेंट हो या नहीं हो। सेंसस जो होता है आपका रेसिडेंट प्लस बहुत सारे और क्वेश्चनार्स भी होते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा जाता है, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं सेंसस के अंदर, है ना। तो ये आपको डिफरेंस थोड़ा याद रहना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड योर सेंसस। तो ये फ्रंट पेज की न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी के बारे में लिखा है, तो फिर से हम एयर क्वालिटी डिस्कस करेंगे, हर दिन का ही टॉपिक हो गया है क्योंकि हर दिन आता है। एयर क्वालिटी जो है दैट इज़ लाइकली टू वर्सन, और एयर क्वालिटी जो मेज़र होती है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू मेज़र होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं आठ पॉल्यूटेंट्स। आठ पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है PM10, दूसरा है PM2.5, थर्ड है NO2, फोर्थ है SO2, ओके तो ये क्या हो गया, PM10, PM2.5, NO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, फिर है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, देन आपका है NH3 यानी कि अमोनिया, देन आपका है O3 यानी कि ओजोन, देन आपका PB यानी कि लेड। तो ये हो गए आठ पॉल्यूटेंट जिनको मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू, इनको दिमाग में बिठा कर रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें याद रखना कि इसमें CO2 नहीं है, CO है, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO है, ओके तो ये दिमाग में रखना। तो जो सिस्टम मेजर करता है एयर क्वालिटी वो उसका नाम है सफ़र, ओके सफ़र जो है वो मेज़र करता है। सफ़र बेसिकली जो आया था सिस्टम वो IIMT पुणे ने बनाया था, IIMT पुणे ने इसको बनाया है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऑपरेशनलाइज रहता है। इसके अंदर एयर क्वालिटी जो आती है वो छह अलग अलग कैटेगरीज में आती है, वो छह कैटेगरीज हैं गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ये छह कैटेगरीज हैं गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, तो याद रखना। और ये जो सफ़र सिस्टम है ये वेदर फोरकास्टिंग भी करता है, 72 आवर्स की वेदर फोरकास्टिंग भी करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो सिस्टम आया था वो 2014 में आया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स का सिस्टम 2014 में आया था, जिसको मॉनिटर करता है CPCB यानी कि कंट्रोल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको मॉनिटर करता है। ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फॉरेस्ट चेंज के अंदर, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और CPCB जो आया था वो आया था वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू आया था, वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और ये दूसरा जो एक्ट इसके अंदर आता है वो है एयर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये दो एक्ट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NGT न्यूज़ में आया है तो NGT के बारे में बताते हैं। NGT आया था NGT एक्ट ऑफ 2010 के थ्रू, NGT एक्ट 2010 के थ्रू आया था। और इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक NGT, इंडिया लेकिन फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू इज़ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक NGT, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि जो पहली दूसरी कंट्रीज थी वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड थी, है ना। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट टू कंट्रीज, है ना। इंडिया जो था वो थर्ड कंट्री था कि जिसमें NGT लाइक मैकेनिज्म है। NGT दो एक्ट्स के केसेस को नहीं देखता है, आप लोग को तो बिल्कुल रट जाना चाहिए अभी तक। NGT दो केस के एक्ट्स को नहीं देखता, एक्ट्स के केसेस को नहीं देखता है। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और दूसरा है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो ये 72 और 27 याद रखिएगा, इनको नहीं देखता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग कि NGT आपका 6 महीने के अंदर इसको एक्सपीडियसली केसेस को सॉल्व करने के लिए कहा गया था कि जो इन्वायरमेंटल केसेस आएंगे वो 6 महीने के अंदर आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा NGT जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंडेड नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ज़रूर फॉलो करती है। तो दैट इज़ द अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर, इसको भी याद रखना है ना। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आइटम भी हो गया। यहाँ पे सलमान रश्दी का नाम आया तो जस्ट आपको थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ, सलमान रश्दी के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर और उसने 13 नॉवेल्स लिखी हैं, जिनके नाम देख लो क्योंकि पूछ सकता है कि उनमें से कौन सी सलमान रश्दी लिखी। तो ग्रेमस एक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल ऑफ सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, इट वॉज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज इन 1981, ओके तो बुकर प्राइज मिल चुका है 1981 में। शेम इज अनदर नॉवल, द सैटेनिक वर्सेज, सैटेनिक वर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, द मूर्स लास्ट साई, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ, 2 years, 8 months and 28 nights एंड द गोल्डन हाउस, ओके सो दीज आर द नॉवल्स विच वर रिटन बाय सलमान रश्दी, ओके। अभी एक आने वाली एक नई नॉवल है जिसका नाम है क्विचोटे, ओके
कैसे पढ़ते हैं नहीं पता, लेकिन क्विचोटे इसका नाम याद रखिएगा. एंड इज़ द फोर्थ कमिंग फ्रॉम रैंडम हाउस इन द फॉल ऑफ 2019. तो याद रखिएगा कि ये क्विचोटो, ये इसकी इनकी नई नॉवल 14th नॉवल आने वाली है. लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन जरूर याद रखिएगा, शेम याद रखिएगा, सेटनिक वर्सेज याद रखिएगा, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज याद रखिएगा, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट याद रखिएगा, एंड फ्यूरी याद रखिएगा, शालीमार द क्लाउन याद रखिएगा. ये जो नॉवेल्स हैं ये रिटन बाय सलमान रश्दी हैं, फेमस हैं, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा. ओके सो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. एलपीजी बॉटलिंग प्लांट इनॉग्रेटेड इन उड़ीसा. तो न्यूज़ बेसिकली क्या है कि एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने ये इनॉग्रेट हुआ है आपके उड़ीसा में, है ना. तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज थोड़ा एलपीजी के बारे में. एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक फ्यूल्स है. और इसमें एक स्मेल आती है, अगर आपने एलपीजी घर में देखा हो तो एलपीजी नहीं बोलते हैं, गैस निकल रही है तो उसमें एक स्मेल आती है. तो वो जो गैस स्मेल होती है वो एथाइल मरकैप्टन के थ्रू होती है. ओके एथाइल मरकैप्टन. ओके सो दैट इज द रीजन फॉर दैट स्मेल. तो ये भी याद रखना है आपको. अब आपको ये बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी के बीच का डिफरेंस क्या है. तो प्राइमरी जो सीएनजी है वो अल्टरनेटिव फॉर फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, और एलपीजी जो है वो आपका घरों में कुकिंग की तरह यूज़ होता है. प्राइमरी कंपोनेंट जो सीएनजी में वो मीथेन होता है, प्राइमरी कंपोनेंट जो एलपीजी है वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, ये भी आप याद रखेंगे. इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल ग्रीन हाउस गैसेस सीएनजी, एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस, एंड इज मच क्लीनर कंपेयर टू गैसोलीन. गैसोलीन से ज़्यादा क्लियर होती है, लेकिन सीएनजी जो होता है बहुत लिटिल ग्रीन हाउस गैस निकालता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ज़रूर है एलपीजी. एलपीजी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है. इट इज़ वेरी सेफ एज इट डिस्पर्सेज रैपिडली इनटू एयर. तो सीएनजी जो है तो बहुत ज़्यादा सेफ होती है क्योंकि डिस्पर्स हो जाती है रैपिडली एयर में, लेकिन एलपीजी वहीं पे हाईली फ्लेमेबल होती है एज इट इज़ मच हैवियर देन एयर. हैवियर होती है इसलिए फ्लेमेबल होती है. द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सीएनजी जो है इज़ फ्रॉम ऑयल वेल्स, बेड मीथेन वेल्स, कोल वेल्स एंड इवन नेचुरल गैस वेल्स. लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एलपीजी है इज़ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम द रिजर्वर. तो ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना चाहिए इसके बीच में. तो फॉर दैट रीजन आई टोल्ड यू द डिफरेंसेस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी. लेकिन वो वाली बात ध्यान रखना कि ये प्रोपेन एंड ब्यूटेन से बनता है, जो एलपीजी बनता है प्रोपेन ब्यूटेन से बनता है, इथाइल मरकैप्टन के कारण जो उसकी स्मेल होती है वो इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है. महादाई रिवर डिस्प्यूट इफ नीड बी विल गो अगेंस्ट यूनियन मिनिस्ट्री सेज सावंत. तो ये महादाई रिवर डिस्प्यूट है क्या, महादाई रिवर क्या है, मंडोवी रिवर क्या है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने ये कहा है कि दे विल बी गोइंग अगेंस्ट यूनियन ऑल्सो इफ द नीड इज देयर इन द महादाई केस डिस्प्यूट. तो महादाई रिवर क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें हैं इसमें बेसिकली. तो महादाई जो रिवर है ये मंडोवी भी कहलाती है, महादी भी कहलाती है. इट्स अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है. ओके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स के. याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, महादाई या महादी. ओके अभी मंडोवी भूल जाना, महादाई या महादी याद रखना. इट्स अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वेस्टर्न घाट्स में, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में. ठीक है ना, ये आपको इतना याद रखना है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्टर्न घाट्स बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. एंड इट इज़ एसेंशियली अ रेन फेड रिवर ऑल्सो कॉल्ड मंडोवी इन गोवा. इसी रिवर को आगे गोवा में मंडोवी बोलते हैं. उसको यहाँ पे दो रिवर्स हैं बेसिकली, मंडोवी एंड जुआरी. ओके तो ये दोनों जो रिवर्स होती है ना इनको गोवा की लाइफलाइन कहा जाता है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है एंड इट इज़ जॉइंड बाय नंबर ऑफ स्ट्रीम्स टू फॉर्म मंडोवी विच इज़ वन ऑफ द टू मेजर रिवर्स दैट इज जुआरी एंड मंडोवी. मैंने बताया ना दो रिवर्स हैं, एक गोवा की लाइफलाइन कहलाती है, एक मंडोवी है दूसरा जुआरी है. तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और याद भी रखना ये, है ना. लगभग ये रिवर 35 किलोमीटर कर्नाटका में ट्रेवल करती है, फिर 82 किलोमीटर आपका गोवा में ट्रेवल करती है, देन इट जॉइंस द अरेबियन सी. फिर इसके बाद ये अरेबियन सी ज्वाइन कर लेती है. अब जो डिस्प्यूट है जो ऊपर आपने देखा ना कि इन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ने कि वी विल गो अगेंस्ट दैट एंड दैट, तो ये बेसिकली कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट के ऊपर है. ओके एंड ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अंडरटेक कर रही है टू इम्प्रूव द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन देयर थ्री डिस्ट्रिक्ट, बेलगावी, धारवाड़ एंड गडग, है ना. तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा डिस्प्यूट भी आपको समझा देता कि कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का प्रोजेक्ट है,
काहे के लिए है, टू इम्प्रूव द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन द थ्री डिस्ट्रिक्ट, उनके तीन डिस्ट्रिक्ट बेलगावी, धारवाड़ और गडक, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को सही करने के लिए। तो इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अक्रॉस कलसा एंड बंडूरी टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई, दो ट्रिब्यूटरीज हैं महादाई की, कलसा और बंदूरी, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं महादाई रिवर की। तो इनका इनके में क्या करता है, बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा टू डाइवर्ट द वाटर टू द मालप्रभा रीजन, जो मालप्रभा वाला रीजन है वहाँ पे वाटर डाइवर्ट करने के लिए किया जाएगा। एंड मालप्रभा जो है वो रिवर सप्लाई करता है आपका, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है धारवाड़, बेलगांव और गडक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। तो कलसा बंडूरी प्रोजेक्ट जो प्लानिंग हुई थी 1989 में हुई थी, तो गोवा जो है बेसिकली इसके अपोज में खड़ा है, गोवा इसके अपोजिट में खड़ा है। तो आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा, कलसा बंडूरी दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि महादाई रिवर में पानी जाता है जिनका, लेकिन कर्नाटका क्या है, आप कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करना चाहता है, अपने जो इनका पानी है इसको डाइवर्ट करके मालप्रभा वाले रिवर में डालना चाहता है, ठीक है ना। तो गोवा इसका अपोज कर रहा है, एंड यही जो है डिस्प्यूट है बेसिकली जो चला आ रहा है। महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था 2010 में, एंड गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आर द पार्टीज ऑफ दिस ट्रिब्यूनल। तो महादाई वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है वो 2010 में बना था, तो ये भी आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, है ना, समझ में आ गया होगा। ASI टू रिस्टोर वुड सिल्वर कैस्केट ऑफ गोवास पैट्रन सेंट, तो ASI जो है वो गोवा के पैट्रन सेंट सेंट फ्रांसिस जेवियर, तो उनका रिस्टोरेशन रखेगा करेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता देते हैं, बेसिकली इट क्या काम करता है, ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का काम करता है और प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, कंट्री की कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखता है। ASI का मेन काम बेसिकली यही है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशेंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हों उनको प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके रखना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बनाया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, ओके तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बनाया गया था। इट रेगुलेट्स ऑल द आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ एंशेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो एक बेसिकली एक्ट है जिसके थ्रू ये सारी चीजों को मॉनिटर करता है, वो है, फिर से बताता हूँ, एंशेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अगर आपसे कोई पूछता है कि एंशेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट कब आया था, तो 1958 का एक्ट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और रेगुलेट करता है एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 को भी, ओके तो याद रखिएगा ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैम ऑल्सो, कहाँ चले गए अपन, है ना। तो यस, ये चीज़ हमने यहाँ पे थी, तो ये चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यहाँ पे आपको कलरी पयत्तू दिख रहा होगा, है ना, ये फाइटिंग टेक्निक है, ये क्वेश्चन आप UPSC पूछ चुका है। तो कलरी पयत्तू बेसिकली इट्स मार्शल आर्ट टेक्निक एंड इट ओरिजिनेटेड इन केरला, ओके तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कलरी पयत्तू, एंड कलरी पयत्तू इज ओरिजिनेटेड इन केरला एंड डेट्स बैक टू द थर्ड सेंचुरी बीसी को डेट बैक करता है। एंड ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है कहाँ का है, केरला का है। इट्स अ मार्शल आर्ट टेक्निक, मार्शल आर्ट टेक्निक है ये। विंग्ड विजिटर्स फ्लॉक टू पुलिकट विद वर्ल्ड वॉचर्स इन टो, तो सबसे पहले पुलिकट लेक के बारे में बताया गया यहाँ पे कि पुलिकट लेक में बहुत ज्यादा बर्ड्स आए हैं। इनफैक्ट एनुअल जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी आपका पुलिकट में ही होता है, ओके नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल। और पुलिकट लेक में बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आए हैं। पुलिकट लेक की बात करते हैं, पुलिकट लैगून इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया की आफ्टर चिलिका लेक। तो चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया में, और पुलिकट लेक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया में। एंड इट इज प्रेजेंट इन द कोरोमंडल रीजन इन आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल रीजन जो आंध्र प्रदेश का है वहां पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का बॉर्डर पड़ता है बेसिकली, तो वहां पर लाई करती है ये पुलिकट लेक। एंड बैरियर आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा सेपरेट्स द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ओके तो बैरियर आइलैंड जो है वो श्रीहरिकोटा में वो सेपरेट करता है इस लेक को, पुलिकट लेक को, बे ऑफ बंगाल से। एंड इट इज़ होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी इनफ्लो जो होता है पुलिकट लेक में, दैट इज़ फ्रॉम द अरानी कलंगी एंड स्वर्णमुखी रिवर्स, ओके तो अरानी कलंगी एंड स्वर्णमुखी से प्राइमरी इसका इन्फ्लो होता है। 96% ऑफ द पुलिकट लेक इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, ओनली 3% इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु, तो ये भी याद रखिएगा। और वहीं पे एनुअल जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल होगा, ओके पुलिकट लेक में ही होगा, वहीं पे होता है नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, ओके आंध्र प्रदेश रीजन में। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। एंट्रोल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले ही, सो आगे मूव कर सकते हैं बहुत ईजिली। लेट्स सी कि और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज आई थिंक फ्रॉम द
क्लाइमेट चेंज कॉज्ड 15 डिजास्टर्स दिस ईयर. तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है. क्लाइमेट चेंज एटलीस्ट 15 नेचुरल डिजास्टर्स आर लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज दिस ईयर एंड जिससे लॉस जो हुआ लगभग $1 बिलियन का हुआ है एंड 7 ऑफ देम कॉस्ट एटलीस्ट $10 बिलियन ब्रिटिश चैरिटी क्रिश्चियन एड्स. ये ऐसा बोला जा रहा है ब्रिटिश चैरिटी क्रिश्चियन एड द्वारा. ओके तो लगभग इतना ज़्यादा नुकसान किया, लाइफ का नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन 15 ऐसे डिजास्टर्स हैं जो कि हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस योर क्लाइमेट चेंज. ओके एंड दिस ईयर इज सेट टू बी द सेकेंड हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री एंड ईच ऑफ द डिजास्टर्स इन द रिपोर्ट हैज़ अ लिंक विद द क्लाइमेट चेंज. ठीक है ना, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ईयर है ये सेकेंड हॉटेस्ट है हिस्ट्री का और जो सारे डिजास्टर्स इनको लिंक किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज से. एंड अगर आप देखें कि कौन कौन से डिजास्टर्स हैं, तो टाइफून जो लेकिमा हुआ चाइना में, टाइफून लेकिमा इन चाइना, एंड फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया, हरिकेन डोरियन इन द यूएसए, फ्लड्स इन चाइना, फ्लड्स इन मिडवेस्ट एंड सदर्न यूएसए, टाइफून हेगिबिस इन जापान एंड कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स, द कॉस्टलीस्ट ट्रेजेडी जो हुई थी लगभग 25 बिलियन की ये सारी हुई एंड $25 बिलियन की ये सारी ट्रेजेडीज हुई. तो ये भी याद रखिएगा, इसमें जैसे कुछ नाम थे लेकिमा टाइफून इन चाइना, हरिकेन डोरियन इन यूएसए एंड देन योर टाइफून हेगिबिस इन जापान एंड कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर, तो आपको पता ही होगा है ना. तो ये सारे जो इवेंट्स है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज है और आप देख ही रहे हैं कि कंट्रीज़ कितनी सीरियस हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में, कि कुछ तो पेरिस क्लाइमेट डील से ही बाहर होंगी है ना. तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही अगर आप सीरियस नहीं रहोगे है ना. इफ़ यू आर नॉट स्टॉपिंग देन नेचर भी अपनी वो तो दिखाएगा ही. ग्रॉस NPAs may rise to 9.9% by next September, says RBI report. अब RBI का ये कहना है जो NPA है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो आगे इंक्रीज होने वाले हैं by September 2020 लगभग 9.9% से है ना. एंड अभी जो है 9.3% पे है NPA. तो क्या है NPA, बेसिकली बात कर लेते हैं. NPAs बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है. NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि जब किसी भी लोन से या तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट या उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिलना बंद हो जाए तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है. मतलब देखो, बैंक्स के केस में जो एसेट एंड लायबिलिटी है, बैंक्स के केस में जो एसेट है एंड लायबिलिटी है, दो चीज़ें हैं. तो बैंक्स के लिए लायबिलिटी क्या है, जो आप डिपॉजिट करते हो. तो डिपॉजिट्स आर बेसिकली लायबिलिटी, क्योंकि वो तो उनको लौटाना पड़ता है सूद समेत. तो बैंक्स में डिपॉजिट जो होता है दैट इज़ लायबिलिटी एंड जो वो लोन देती हैं, द लोन विच दे गिव दैट इज़ एन एसेट. अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो हमारे लिए एसेट क्या है, जो पैसा हमारे पास आता है वो हमारा एसेट है, लेकिन जो हम कहीं जाते हैं वो हमारी लायबिलिटी है. ऐसा है ना, किसी को दे दें तो हमारी लायबिलिटी हो जाता है, मतलब हम किसी को देना हो तो लायबिलिटी हो जाती है. सेम बैंक्स के केस में है कि बैंक्स में अगर आप डिपॉजिट कर दोगे तो बैंक्स को पैसा बचा के रखना पड़ेगा, जब भी आप मांगोगे आपको देना पड़ेगा, तो वो उनकी लायबिलिटी है. लोन आप लेते हो, लोन आप बैंक को लौटाते हो, एक अलग से इंटरेस्ट पे करते हो, इसलिए बैंक के लिए जो लोन्स हैं वो उनके एसेट्स हैं. इसीलिए इनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है. जब वो लोन देते हैं, जब लोन से उनको इंटरेस्ट मिलना या लोन से उनको प्रिंसिपल अमाउंट मिलना बंद हो जाए तो वो उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है. ठीक है ना, सिंपल सी बात, ये आपको याद रखनी है. क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया सिंपल सी बात है. अगर मैं बात करूं कि अगर 90 दिनों तक ओवरड्यू है, अगर 90 दिनों तक किसी कमर्शियल लोन में ओवरड्यू है, कमर्शियल लोन में अगर आपने 90 दिनों तक इंटरेस्ट पेमेंट ये सारी चीज़ नहीं की है तो वो आफ्टर 90 डेज दैट विल बिकम ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अगर कंज्यूमर लोन्स है तो मोर देन 180 डेज ओवरड्यू है तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएगा. इसी तरह अगर एग्रीकल्चरल लोन है, एग्रीकल्चर लोन में अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में है तो दो क्रॉप सीजन, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉपिंग सीजन तक अगर पैसा वापस नहीं आता है तो वो भी एनपीए कहलाता है. एग्रीकल्चरल लोन में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में दो क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में एक क्रॉप सीजन देखा जाता है. कुछ कैटेगरीज हैं जैसे सब स्टैंडर्ड लोन तब होता है जब एनपीएस की एज 12 महीने से कम हो, तो सब स्टैंडर्ड लोन है. डाउटफुल लोन तब होगा जब एनपीए की एज 12 महीने से ज़्यादा है एंड उसके बाद अगर ऑडिटर्स आते हैं, उनको अगर रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं और उसको बुक में चढ़ा देते हैं तो फिर वो लॉस एसेट कहलाता है. सो दैट इज़ द लॉस एसेट. तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं. ओके तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी एनपीएस के बारे में, उनके क्राइटेरियाज के बारे में, और एनपीए एज पर द रिपोर्ट ऑफ आरबीआई ये बढ़ने वाले हैं. सो ये सारी चीज़ हमने देख ली. दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.